के संबंध में उन 6 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें हमारी कमिश्नरेट की सीआई यूनिट तथा डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीम, एसएचओ मानसरोवर, एसएचओ सांगानेर अवनीश जी, हमारे डीसी साहब योगेश जी और लखनऊ साहब के नेतृत्व में ये सारी कार्रवाई की गई। और इसमें मुख्य भूमिका इस पूरे मामले को ट्रेस आउट करने में रही वो हमारे सीआई यूनिट के महिपाल और इनके साथ में जो हमारे पूरे सहयोगी सीआई यूनिट की जो टीम है, श्रीचंद सब इंस्पेक्टर, द्वारका एएसआई, रमेश एएसआई और कंप्लीट टीम, सभी लोगों ने मिलकर इसको सफलता को प्राप्त किया है। जैसा आपको ध्यान है, घटना जब 4 तारीख शाम को जब ये घटना हुई थी उसके बाद में पुलिस ने अपने अभिपीड तंत्र को काफ़ी एक्टिव किया और इसी में ये सूचना सामने आई कि इस घटना में घटना को करने वाली जो लोग हैं वह एक इंटरेस्टेड गैंग के सदस्य और पूरी इंटरेस्टेड गैंग ही है। धौलपुर, ग्वालियर और उनके कुछ साथी जयपुर में रहने वाले इन सभी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें अभी तक हमने 4 जो एक्यूज्ड गिरफ्तार किए थे, इनको हमने 17 के यहाँ से गिरफ्तार किया है और 17 से बाद पूछताछ जब यहाँ लाए तो पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। साथ में उनके जो 2 साथी जयपुर के थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में उनको सहयोग किया, उनको भी गिरफ्तार किया। अब आगे पूछताछ में क्या क्या सामने आता है और क्या इनसे रिकवरी होती है वो सारा कार्य अभी पूछताछ के बाद किया जाए। किस तरह से वारदात उन्होंने अंजाम दिया, पहले रेकी करी थी, इसको जानते हैं सर, इसके लूप हुई थी? इस पूरे घटनाक्रम में फुटमार्ट एजेंसी के किसी इंटरनल कर्मचारी जिसको हमने गिरफ्तार किया दीनदयाल, उसने अपने रजनीश चौधरी नाम का जो अपना साथी था उसको, उसने सारा रिश्तेदार भी था उसका, उसको उसने बताया कि इस तरीके से सारी कैश का ले जाना होता है। इस पर रजनीश चौधरी ने अपने धौलपुर ग्वालियर के जो साथी थे उनको यहाँ पे कॉल किया और ये सारी वारदात अंजाम दी गई। इस वारदात के बाद में ये सभी लड़के यहाँ से, इसमें से 4 जने जो रजनीश और दीनदयाल को छोड़ते हुए जो शेष 4 हैं जिनके नाम इसमें प्रेस नोट में आपके सामने होंगे, उन 4 को धौलपुर और ग्वालियर वो निकल गए थे। उसके बाद में जब पुलिस हमारी सूचना मिलने के बाद में इनके लगातार पीछा कर रही थी, ये पूरा गैंग उसके बाद में 4 जने लगातार चलते हुए इंदौर पुणे होते हुए ये लोग गोवा जाने के प्लान में थे। जो हमें सूचना मिली थी उस आधार पर इनको गोवा जाना था। गोवा लगातार ये चलते रहे, इनके पीछे हमारी टीम भी एक इनका पीछा करती रही जिसमें से यूनिट के काफ़ी लोग थे। साथ के साथ जब इतना मिली कि ये बॉम्बे से आगे निकलने के प्रयास में है और गोवा जाने के हैं, तो यहाँ से लाखन सिंह एसएचओ सांगानेर को भी विशेष रूप से रवाना किया गया और इनके साथ भी इनकी टीम राजेश सही वगैरह को रवाना किया गया। इन लोगों ने 17 पुलिस के साथ और वहाँ के 17 क्राइम ब्रांच के साथ में मिलकर आगे सारा एक्ट करते हुए और जहाँ एक टोल नाके पे इन्होंने इनको आगे रोक लिया। सर, कितने टाइम से ये लोग रैकी कर रहे थे वहाँ पर, क्योंकि लेन देन वहाँ पर काफ़ी बिजनेस का, वहाँ पर उनका जो पूरा ये गोदाम बना होता है डेली अमूमन इतना कैश आता रहता। एक्चुअली दीनदयाल जो इसमें एक कर्मचारी है वो वहीं पे काम करता था और उसने अपने रिश्तेदार को सारी बात बताई थी। उसके बाद कितना पैसा रिकवर हुआ सर? अभी सारा इन्वेस्टिगेशन पे सर, हथियार क्या क्या बरामद, बस अभी अभी हमने जस्ट अभी गिरफ्तारी की है, अब आगे सारी चीज़ें आगे कार्रवाई होगी। योगेश जी इसके बारे में और आगे बताएं। अभी मुलजिमान को राउंड अप करके प्राथमिक दौर की पूछताछ पूरी हुई है, उसके आधार पे वारदात बिल्कुल क्लियर हो गई है। इनसाइडर व्यक्ति था एक जो कि इस कंपनी में काम कर रहा था 10 वर्ष से, उसका रिश्तेदार और उसका कनेक्टेड पर्सन ने इस सारी वारदात को ऑर्गेनाइज करवाया है, ये बात क्लियर हो गई है। मॉडल ऑपरेंडी भी वो ट्रेडिशनल मॉडल ऑपरेंडी भी जिसमें कि पहले आकर के देख करके गए हैं, उसके बाद वारदात की है। घटना में रिकवरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हम कैश और जो भी हथियार यूज हुए उनके पूरा प्रयास करके रिकवरी करने की कोशिश। अभी रिकवरी नहीं हुई है, अभी स्थिति रिकवरी के लिए अभी इंट्रोगेशन चल रहा है प्राथमिक स्तर पर। इंट्रोगेशन सर, ये गैंग पर्टिकुलर जो 2 आरोपी हैं, एक तो नौकर है जिसने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि पैसा आता और जाता है, और दूसरे ने टीम को इन्वाइट किया, हार्बर किया, उसको रेकी करवाई है और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया।
ये अधिकांश पढ़े लिखा युवा। सर गोली किसने चलाई? गोली चलाने वाले का पता चल गया, परंतु उनका आमने सामने का इंट्रोगेशन बका है, वो इंट्रोगेशन होने नहीं आ चुके हैं। हमारे सारे अक्यूज गिरफ्तार में आते हैं, जो मेन चार अक्यूज जो मौके पर जिन्होंने घटना कराई थी वो चारों अक्यूज पकड़े गए। सर ये मुंबई में गोवा घूमने के घूमने फिरने हाँ, जो अपराधियों की आम कार्यशैली होती है कि जब कुछ पैसा कमा लेते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। जल्दी उसका भी खुलासा करेंगे उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।